तो रेसिस्टेंस इसका लो होना चाहिए. अमीटर शुड हैव लो रेसिस्टेंस सो दैट इट कैन गिव एक्यूरेट वैल्यू ऑफ द करंट. खुद लॉस ना कर दे, खुद ना खा जाए यार करंट को. तुम ऐसे किसी मान लो कहना चाहिए वो जो घर पे डिलीवरी बॉय जो होते हैं डिलीवरी देकर आते, जोमेटो वाला, एक दो वीडियो भी आई थी वो खाते हुए पकड़े गए थे रास्ते में, कुछ खा रहे थे वो खाना वाना, सही है, तो बड़ा बॉयकॉट हुआ था जोमेटो का. कैसे डिलीवरी बॉय चाहोगे? जितना सामान तुमने उसको दिया है या जितना तुमने मंगाया वो तुम्हारे घर पे सही सलामत पहुंचा दे या रास्ते में कुछ खा जाए? बताओ भाई, समझ रहे बात को? तो ऐसे ही अमीटर मैंने सिर्फ करंट को मेजर करने के लिए लगाया है, अब वो खुद खुद करंट खा जा रहा है. ऐसा नहीं होना चाहिए यार जो मैं, ठीक है? तो बात को ऐसा करके समझो. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, ऑलवेज बिलीव इन योरसेल्फ. अपने आप पर हमेशा विश्वास रखिए, हर मंजिल आपको मिल सकती है. तो मैं हूं आपका मेंटर फरमान मलिक और आज मैं लेकर आया हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लास 10th फिजिक्स से, जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी. CBSE 2023 में इसका वेटेज है 6 मार्क्स का, लेकिन चैप्टर बहुत ही बेसिक है, बहुत ही बेसिक, बहुत आराम से होने वाला है. इसका मैं आपको आउटलाइन बता देता हूं चैप्टर की. जो पहला टॉपिक है हमारा वो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टीज, जो हम आज कंप्लीट करने वाले हैं. दूसरा इलेक्ट्रिक करंट, जो हम आज ही कंप्लीट करने वाले हैं. तीसरा टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड वोल्टेज, जिसका रियल मीनिंग देखा जाए तो थोड़ा सा मुश्किल है, बट क्लास 10 बहुत आसान दे रखा है, तो उसका रियल मीनिंग भी जानेंगे और इसके न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट. ये हम सेकेंड लेक्चर में कंप्लीट कर रहे होंगे. फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ऑफ दिस चैप्टर, ओम्स लॉ एंड रेसिस्टर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, खतरनाक खतरनाक, सब पढ़ चुके होंगे आप, लेकिन अभी भी अगर कंसेप्ट क्लियरिटी नहीं है तो इसीलिए तो हम आए हैं. और फिर नेक्स्ट होगा इलेक्ट्रिक पावर, बहुत ही हलवा चैप्टर, उसके बाद होगा हीट. तो उम्मीद यह है कि न्यूमेरिकल्स को मिला के और एक वन शॉट वीडियो बना के 4 लेक्चर्स में चैप्टर करेंगे कंप्लीट. पहले सिखाएंगे बेसिक इन डीप डिटेल और फिर लास्ट लेक्चर में सारे फॉर्मूलाज और कॉन्सेप्ट वन शॉट वीडियो विद इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो आज का पहला टॉपिक हमारा रहेगा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड प्रॉपर्टीज. कुछ लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा कि बत्ती नहीं आ रही है, ये वही बत्ती है या बिजली नहीं आ रही है. तो कुछ लोग कॉमनली अगर देखें तो ये कहते हैं लाइट नहीं आ रही है. तो बच्चों मैं आपको बताता चलूं, लाइट जो होता है वो लाइट होता है प्रकाश, यानी कि उजाला, यानी कि रोशनी. तो दिमाग की बत्ती चलाओ और अब इलेक्ट्रिसिटी बोलना स्टार्ट करो, क्योंकि क्लास 10 का वो स्टूडेंट ही नहीं है जो आज भी यही कह रहा है, 72 के ज़माने में जी रहा है, अभी भी बोल रहा है कि सर लाइट नहीं आ रही है. लाइट तो प्रकाश होता है, वो भी एक अलग चैप्टर है हमारा फिजिक्स में. तो बात खत्म करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टीज़. अगर आप क्लास 10 की फिजिक्स को देखें बच्चों ध्यान से, तो सीधी कोई सी भी बुक उठाएंगे तो उसमें सीधे सीधे आपको ये मिलेगा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस. व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज किसी ने समझाया नहीं है, क्योंकि क्लास 10th की फिजिक्स ये मान के चलती है. आपको पता है क्लास 10 की फिजिक्स ये मान के चल रही है कि 10th क्लास के बच्चे की बस की बात नहीं है कि वो इलेक्ट्रिक चार्ज को समझ ले. तो यार बड़ा हलवा है, देख लो. तो पहले बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज. इलेक्ट्रिक चार्ज को समझने से पहले तुम्हें समझना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है. देखो दो बातें, बड़ी बेसिक सी बात समझा रहा हूँ. तुमने पकड़ लिया एक मैग्नेट, नॉर्थ पोल साउथ पोल. अब मैग्नेट जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा नॉर्थ पोल साउथ पोल कहां से क्या है, फिलहाल ये समझो मैग्नेट. मैग्नेट के चारों तरफ का वो एरिया जहां पर ये अपनी अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी को शो कर रहा हो, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव प्रॉपर्टी को शो कर रहा हो, तो उस एरिया को हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे. मतलब मैंने आयरन का कोई पीस यहां पर रखा और जूम से ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया. कोई जरूरी नहीं अट्रैक्ट हो, क्या पता इस पर फोर्स लग रहा हो लेकिन ये इतना भारी हो, अट्रैक्ट नहीं हो पा रहा है, मतलब मूव नहीं कर रहा लेकिन फोर्स तो महसूस कर रहा है. तो मैग्नेट का एरिया अराउंड द मैग्नेट इन विच द इंफ्लुएंस ऑफ द मैग्नेट कैन बी एक्सपीरियंस्ड. फ्लुएंट इंग्लिश समझ रहे, नहीं लिखना तो पड़ेगा यार एग्जाम में क्या करें. तो मैग्नेट के चारों तरफ का वो एरिया जहां पे कोई पार्टिकल जो मैग्नेटिक मैग्नेट पे अट्रैक्ट हो जाता है, तो वो अगर फोर्स को फील कर रहा है, उस पर फोर्स फील हो रहा है. मैग्नेट के चारों तरफ का वो एरिया जहां पे कोई पार्टिकल या कोई दूसरा मैग्नेट उसका इंफ्लुएंस को एक्सपीरियंस कर रहा है, उस एरिया को हम क्या बोलेंगे, उस एरिया को हम बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड. चलो इसी बहाने क्या हुआ, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर की तुम्हारी एक डेफिनेशन क्लियर हो गई मैग्नेटिक फील्ड की. इसी तरीके से कोई चार्ज है. अब चार्ज यार केमिस्ट्री में तुमने अच्छा खासा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन हमारा लेक्चर अगर देख ही लिया हो, बहुत बढ़िया बनाया हुआ है वैसे, देख सकते हो. तो अगर कोई भी एटॉम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो क्या बनाता है यार, फिजिक्स में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में सर ने कहाँ फंसा दिया, कैटायन एनायन, बेटा पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा, देख लो अगर कुछ समझना चाह रहे हो, हीरो बनना चाह रहे हो, ठीक है? तो क्या कर रहा हूँ मैं, सपोज एल्यूमिनियम ही ले लेते हैं, 2, 8, 3, बहुत
डीप में जा रहा हूं, बहुत डीप, तीन इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, Al3+ बनाएगा और इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव हो जाएगा नियॉन वाला। तो ये इस पे चार्ज आ गया। अब एल्यूमिनियम, अब क्लोरीन को ये अट्रैक्ट कर लेता है, वही बना होगा ना आपने AlCl3। तो AlCl3 कैसे बनता है, 287, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, इसी का इलेक्ट्रॉन तो गेन करेगा ये, लेकिन ये कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तीन। तो इसलिए हमें तीन क्लोरीन की जरूरत पड़ती है AlCl3। अब केमिस्ट्री वाला बेसिक है, सब सिखा चुके हैं। फिलहाल क्लोरीन पे चार्ज आएगा Cl-, तो ये पॉजिटिव चार्ज माइनस वाले चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, यानी कि चार्ज भी एक दूसरे चार्ज के ऊपर क्या लगा रहा है, फोर्स लगाता है। बात तो क्लियर है, कहने का मेरा मतलब ये है, एक चार्ज भी दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स लगाता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता चार्ज क्या होता है। मैं चार्ज को बनाने की बात कर रहा हूं कि चार्ज की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इलेक्ट्रिक चार्ज। तो चार्ज को डिनोट अभी मैंने क्यू से किया, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, वो सब पढ़ के आ चुके हैं। तो अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन कर रही है तो नेगेटिव चार्ज आएगा, और लूज कर रही है तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। यानी कि ये डिपेंड करता है किसी बॉडी के पास कितने एक्स्ट्रा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है या कितने डिफिशियंट कम इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है बात। तो मान लो कोई चार्ज रखा है ये क्यू प्लस, तो इसमें से कौन सी लाइंस निकलती हैं, जैसे मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, ऐसे ही किसी चार्ज में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, और चार्ज भी एक दूसरे चार्ज के ऊपर, जैसे मैग्नेटिक दूसरे मैग्नेट के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगाता है, ऐसे ही इलेक्ट्रिक फोर्स लगाता है, और इसके चारों तरफ का एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। यानी कि द एरिया अराउंड अ चार्ज इन विच द इंफ्लुएंस ऑफ द चार्ज कैन बी एक्सपीरियंस्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मेरे पास कोई दूसरा चार्ज है, मान लो क्यू माइनस है या क्यू प्लस है, कुछ भी, अब मैं वो इसमें रखा मैंने, तो उस पर या तो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, वही लाइक चार्जेस होंगे तो रिपल्जन लगेगा, अनलाइक होंगे सब पड़ा हुआ है, लेकिन इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है ये आज तक समझ में नहीं आ पा रहा किसी को। तो किसी बॉडी के ऊपर कोई चार्ज आया, चार्ज होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई, जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं। क्लास 12 में पढ़ोगे प्लस वाले से ये लाइनें ऐसे निकलती हैं बाहर की तरफ, रेडियली निकलती हैं, रेडियली, ये बात भी आपको नहीं पता होगी। और क्लास 10 में कितने बच्चे जानते हैं, सब बच्चे जानते हैं कि प्लस वाला प्लस को रिपेल करता है, क्यों करता है पता है तो बताइए, प्लस वाला माइनस को अट्रैक्ट करता है, क्यों करता है, किसी को पता है, नहीं पता है बताइए। तो ये पता नहीं है क्योंकि हम समझ के नहीं पढ़ रहे हैं, रट लिया भैया, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, जाने का देख लेंगे, नंबर ही तो बनाने हैं। नहीं, अगर समझ लोगे तो फिर मजा ही आ जाएगा, भूल से भी नहीं भूल पाओगे, भूल से भी। क्लियर हो रही इतनी बात। तो हमने करा कुछ यूं, एक चार्ज ले लिया, तो मैंने आपको बताया जैसे मैग्नेट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, नॉर्थ से साउथ में जाती हैं, ऐसे ही चार्ज से रेडियली प्लस वाले से रेडियली आउटवर्ड निकलती हैं और माइनस वाले पे रेडियली इनवर्ड आती हैं। क्लास 12 में पढ़ाया जाएगा आपको ये, इनको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इनफाइनाइट तक जाती है, लेकिन जितना दूर जाते जाएंगे उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स है वो बहुत वीक होता जाएगा। क्लास 12 में मिलेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ने को, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है कि मेरे हिसाब से 10th क्लास का बच्चा ना समझ पाए। तो जब हम एक चार्ज के फील्ड में दूसरे चार्ज को रख रहे हैं तो या तो वो उसको अट्रैक्ट कर रहा है या उसको रिपेल कर रहा है। मजे की बात तब आई जब एक चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं, यानी कि मैग्नेट वाले में, तब भी उस पर अट्रैक्शन और रिपल्जन या उस पर कोई फोर्स लग रहा है, यानी कि मैग्नेट भी चार्ज पे फोर्स लगा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से इंटरेक्ट कर रही है तब भी एक फोर्स जनरेट हो रहा है। और चार्ज आ कहां से रहा है बॉडी पे, अब ये मान लीजिए कोई बॉडी थी, इसके पास 10 प्रोटॉन थे, 10 इलेक्ट्रॉन थे, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज या गेन कर लिए, वैसे तो 2 8 हो गया, करेगा नहीं, नियॉन वाला केस हो गया। तो मान लेते हैं 9 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन 2.7 वाला, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो 9 प्रोटॉन हो गए, ध्यान से सुन लेना, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये होते हैं माइनस वाले और ये होते हैं प्लस वाले, तो -1 चार्ज आ गया, जिसकी रियल वैल्यू तो हम जानते ही हैं, वही 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना चार्ज होता है रियल वाला, ये तो रिलेटिव चार्ज है -1। चलो फिलहाल ठीक है, बहुत ज़्यादा अब एक एक चीज़ तो पढ़ाई नहीं जाएगी, कुछ तो पढ़ के बैठे होंगे, ठीक है। अच्छा फिलहाल तो इस पे चार्ज आ गया, कितना आ गया -1। ये चार्ज हमने इसको कहीं से दिया नहीं है, इसके अंदर से बस इलेक्ट्रॉन का नंबर चेंज हुआ है, चार्ज अलग से ट्रांसफर, मतलब ये इसकी बॉडी की इंटरनल प्रॉपर्टी है चार्ज, इज यहां से एक वर्ड आ रहा है, मैं क्या बताना चाह रहा था, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, एक वर्ड इंट्रिंसिक, अलग से कहीं एक बॉडी से या तो इलेक्ट्रॉन यहां पे आ जा रहे हैं या यहां से इलेक्ट्रॉन चले जा रहे हैं,
कहीं बाहर से कोई बात इसमें नहीं हो रही है। तो यहां से एक डेफिनेशन क्रिएट हो गई। क्या डेफिनेशन क्रिएट हो गई? कि चार्ज बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टी है। और चार्ज की वजह से क्या हो रहा है? एक चार्ज अगर दूसरे चार्ज के पास लेके जा रहे हैं तो उस पर फोर्स लग रहा है, या फिर मैग्नेटिक फील्ड में लेके जा रहे हैं तब भी उस पर फोर्स लग रहा है। तो यहां से बात आई कि चार्ज इज एन इंट्रिंसिक, बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ये मैटर होता है वो, उसी के अंदर तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं। तो चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच, जिसकी वजह से, ड्यू टू विच, जिसकी वजह से इट एक्सपीरियंस। भारी ना लगे डेफिनेशन, बहुत ही आसान है। चार्ज क्या था? जब एक चार्ज था तो वो अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा था। उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैं किसी दूसरे चार्ज को लेकर आया तो उस पर फोर्स लगा, या फिर उसी चार्ज को अगर मैं किसी मैग्नेटिक फील्ड में लेकर गया तब भी उस पर फोर्स लगा। तो चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच, मैटर से ही मैटर में चार्ज गया, मैटर से मैटर में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, गेन हुए, लूज हुए, अलग से थोड़ी ना डाला गया। तुमने अलग से कुछ अपना किया हो तो बताओ, ठीक है कि नहीं? तो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी हो गई अंदर की प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट एक्सपीरियंस अ फोर्स। कब उस पर फोर्स कब लगी? व्हेन, जब इट इज प्लेस्ड इन एन, अब इलेक्ट्रिक फील्ड में भी रखा था और मैग्नेटिक फील्ड में भी रखा था, तो वर्ड आ गया बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ये सुनो, बहुत भारी बात है भाई साहब, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रो फॉर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फॉर मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रो फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब भी हम किसी चार्ज को चार्ज से ही डिफाइन कर रहे हैं। चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, चार्ज किसी मैटर की वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से हम अगर उसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज की वजह से जनरेट हो रहा है, या किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं, तो इट एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन इट इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। यह है चार्ज। उम्मीद कर रहा हूं बेटा समझ में आ गया, और कभी भूलोगे नहीं कि चार्ज किसी भी, फिर से सुन लीजिए, चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, रट लो मेरे साथ बोलो, और इसको नोट्स बनाते चलो, शॉर्ट नोट्स बनाते चलो। चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन इट इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। इग्नोर मत मारो इस बात को भाई, आगे काम देने वाला है। जो बच्चे पीसीबी या पीसीएम लेने वाले हैं उन्हें तो पढ़ना ही पड़ेगा किसी भी हाल में। तो इसमें भाई बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनानी है, चैप्टर भी एक्सप्लेन करना है, तो इतना टाइम तो देना पड़ेगा। काम की बात हो रही है यहां से, जो तुम्हारे सिलेबस की बात है, सिलेबस की बात यहां से शुरू हो रही है। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, चार्ज की प्रॉपर्टी क्या है? तो पहला सुन लो भाई, अलग मैं अपने आप को और अपने बच्चों को अलग कैसे दिखाऊंगा? तो नॉर्मल बच्चों से ज्यादा पढ़ा, नॉर्मल टीचर से ज्यादा पढ़ाऊंगा और मेरे बच्चे नॉर्मल बच्चों से ज्यादा पढ़ेंगे, तभी तो कुछ हो पाएगा। चलो ध्यान देंगे। तो पहला, सभी को रटा हुआ है बेसिक, वजह पूछ लेना, फिर क्या होगा पता चल ही जाएगा। तो सभी ने पढ़ा हुआ है ना, लाइक चार्जेस रिपेल। क्लियर? लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, यानी कि प्लस वाला हो और प्लस वाला हो तो यार एक दूसरे को रिपेल मार देंगे, ये मजा नहीं आया, मुंह बन जाएगा भाई, ऑब्वियस ही बात है, समझदार बच्चे हो। लाइक वाले एक दूसरे को लाइक नहीं करते, एक लाइक हो और एक अनलाइक हो, एक अपोजिट वाला हो तो फिर लाइक करते हैं। ठीक है बात? अच्छा ठीक है। तो लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, ऐसा एक प्लस वाला है एक माइनस वाला है। अच्छा उस टाइम मैंने यार ऐसा बना दिया था लग रहा है, ध्यान दो जल्दी से, जो करना चाह रहा था वो तो हुआ ही नहीं। ये प्लस वाले चार्जेस हैं, प्लस प्लस वाले क्या करेंगे एक दूसरे को रिपेल करेंगे, या माइनस माइनस वाले एक दूसरे क्या करेंगे रिपेल, मुंह बन जाएगा, समझ गए होगे? ठीक है। उसके बाद अगर ये दोनों लाइक, एक प्लस होगा और एक माइनस होगा, यानी कि अनलाइक अलग अलग है, ये खुशी देख रहे लड़के के चेहरे पे, मजाक की बात थी बेटा,
समझाने के लिए समझाया था हाँ वही। तो लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट्स, इसका रीजन जानना है ध्यान से सुनो। अभी मैंने आपको बताया था ध्यान से सुन लो। प्लस वाले चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, आज मेरा 10th क्लास का बच्चा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को समझता है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स जिसके अलावा काम करता है, तो प्लस वाले से ये लाइनें बाहर की तरफ निकलती हैं, बाहर की तरफ ऐसे करके। और दूसरा भी प्लस वाला रख दें अपन, किधर की तरफ निकलेंगी, बाहर की तरफ। अब बताओ क्या होगा, ये इसे उधर धक्का दे रहा है ऐसे भाई, और ये वाला इधर से चेक करो जरा, ये इधर से इसको धक्का दे रहा है। तो अगर कोई तुम्हें इधर से धक्का दे रहा है और तुम उसको इधर से धक्का दे रहे हो, तो बताओ अट्रैक्शन होगा रिपल्जन होगा, जल्दी बोलो। बात समझ में आई यानी कि ये गेम है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। पढ़ तो सब रहे, रट तो सब रहे हैं कि भैया लाइक चार्जेस रिपेल क्यों कर रहे हैं, इस वजह से कर रहे हैं, समझे। अच्छा अब माइनस वाले में जो, इसको हटा लेते हैं पहले, जगह कम है यार, बोर्ड छोटा है हमारा, ठीक है। तो माइनस वाले में क्या हो रहा है, माइनस वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ आती हैं, यानी कि ये खींच रहा है, ये क्या करता है जूम से किसी भी चीज को अपनी तरफ खींचता है। और ये वाला क्या करता है, ये वाला भी जूम से अपनी तरफ किसी भी चीज को खींचता है। अब तुम किसी को अपनी तरफ खींच रहे हो, आ जा, अब वाला भी तुम्हें खींचेगा, आ जा भाई। तो यार ये बताओ अट्रैक्शन आएगा रिपल्जन आएगा, करके देखना दोस्त के साथ अपने रिस्क पे, ठीक है। बहुत बहुत डैश बच्चा पड़ा हुआ है। अरे भाई सब सुनो, कोई तुम इधर से खींचेगा, तुम उसे उधर से खींच रहे हो, अट्रैक्शन नहीं आएगा रिपल्जन आएगा, समझे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का गेम था यार, अब तुम समझे मजा कितना आएगा पढ़ते हुए। तो ये गेम है यार, ऐसा करके समझ के पढ़ो। अब अगर एक हम अनलाइक चार्जेस ले लें, एक माइनस वाला एक प्लस वाला, ये खींच रहा है कि भैया आ जाओ, ये धक्का दे रहा है, चलो भैया चलो। ध्यान से सुनना, करके देखना, मैं इधर से खींच रहा हूं अपने दोस्त को, और मेरा दोस्त इधर से मुझे धक्का दे रहा है, किधर की तरफ आएगा, मेरी तरफ ही तो आएगा, मैं इधर से खींच रहा हूं और वो उल्टा मेरी तरफ ही आ रहा है ना, धक्का दे रहा है मुझे, ऐसे गिरेंगे ना दोनों, ये बात अट्रैक्शन हो गया। यही तो बात है यार, यही तो बात है समझ के पढ़ने की। फिलहाल 10th क्लास के लेवल से ऊपर की बात है, समझा दिया है, इसी बात पे लाइक ठोक देना बेटा, दबा के लाइक ठोको यार, दबा के बटन तोड़ दो लाइक का, ठीक है। चलो तो पहली प्रॉपर्टी तो हो गई है, टाइम ज्यादा नहीं लगना चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी, तो पहली प्रॉपर्टी क्लियर हो गई, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। दूसरी बात पे देखेंगे, वीडियो सही आ रही है कि नहीं आ रही है चेक करना पड़ जाता है बीच बीच में, सही है बढ़िया। चलो दूसरी प्रॉपर्टी है बेटा, चार्ज इज एडिटिव इन नेचर, एडिटिव इन नेचर। ये क्या है भैया, 10th क्लास में पढ़ाया गया कि नहीं पढ़ाया गया, यानी कि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है, और ये ऐड हो जाता है अलजेब्रिकली। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ बेटा, मान लो ये एक बॉडी है और इस बॉडी में एक पॉइंट है जिस पे 2 कूलाम चार्ज है। आप कहोगे सर तुमने ये कूलाम क्या बता दिया, चार्ज की ऐसा यूनिट होती है, इसका मतलब आएगा बेटा अभी आगे आएगा, ध्यान से सुनो। मान लो 2 कूलाम चार्ज है प्लस का, माइनस का भी तो हो सकता है, प्लस का 2 कूलाम है यानी कि इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं भाई ने। यहां मान लो माइनस का 1 कूलाम चार्ज है, यहां प्लस का 3 कूलाम चार्ज है, यहां माइनस का 8 कूलाम चार्ज है। हम पूछेंगे मान लो यहां पे एक और, मान लो माइनस का 5 कूलाम चार्ज है, हम पूछेंगे टोटल चार्ज कितना हो गया इस पूरी बॉडी पे, तो तुम क्या करोगे सर 2 - 8 + 3 - 1 - 5 अलजेब्रिकली ऐड कर दोगे, तो 3 और 2 ये तो हो गया 5, -8 - 1 - 5 से +5 उड़ जाएगा और 8 -9 कूलाम चार्ज आ जाएगा। मतलब जो भी चार्ज आपको दिए जाए और पूछा जाए टोटल चार्ज कितना हो रहा है, तो उसको आप ऐड कर सकते हैं अलजेब्रिकली। चार्ज जो है अलजेब्रिकली जुड़ता है, ना कि वेक्टर के हिसाब से, एंगल का उसमें कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, वेक्टर बच्चे समझेंगे क्लास 11th में। तीसरी बात हो गई, चार्ज इज कंजर्वेटिव इन नेचर, क्लास 10 में बर्दाश्त हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है। चार्ज इज कंजर्वेटिव इन नेचर,
अब कंजर्वेटिव मतलब क्या हुआ, जहां भी आता था मास इज कंजर्वेटिव इन नेचर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, समझाते हैं, चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, यानी कि चार्ज को ना ही कोई क्रिएट कर सकता है, कोई बनाया थोड़ी था आपने, इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से लेकर आए थे दूसरी बॉडी में दे दिया था, तो उस बॉडी पे जितना पॉजिटिव चार्ज आया इस बॉडी पे उतना नेगेटिव चार्ज आ गया, तुमने क्या करा, वापस इलेक्ट्रॉन वहीं चले जाएंगे, खत्म बात, ना तुमने अपने आप से इलेक्ट्रॉन पैदा किए, ना तुमने इलेक्ट्रॉन का भी डिस्ट्रॉय कर सकते हो, क्लियर हो रही है बात। तो चार्ज इज कंजर्वेटिव इन नेचर, एक बहुत बढ़िया सा एग्जांपल देता हूं, मान लो ये एक बॉडी है, इसके फिर से इस पॉइंट पे 2 कूलाम चार्ज था, एक मान लो कि बॉल रखी हुई है, 2 कूलाम चार्ज है, इस पे माइनस का 1 कूलाम चार्ज है, इस पे प्लस का 5 कूलाम चार्ज है, ठीक है, तो टोटल हो गया 5 × 2 = 7 अभी पड़ा है, और माइनस का 1 यानी कि 6 कूलाम। अब इस बॉल को मैंने ऐसे करके हिलाया, डब्बे को यूं 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 करके, कोलिजन हुआ, फ्रिक्शन जनरेट हुआ, इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह चले, तो फिलहाल ये चार्ज बदल गया, और ये बॉडी आइसोलेटेड बॉडी है, बेचारी किसी से मिलती जुलती नहीं है, एनवायरनमेंट से बिल्कुल अलग है, सराउंडिंग से बिल्कुल अलग है, आइसोलेशन का मतलब ये हो गया वो बॉडी जिसके अंदर एनर्जी और मास और हीट किसी भी चीज का ट्रांसफर ना उसके अंदर हो सकता है ना उससे बाहर निकलेगा, यानी कि कोई भी एनर्जी कोई भी चार्ज ना इसके अंदर जाएगा ना इसमें से बाहर निकलेगा, यानी कि बॉडी आइसोलेटेड है, दुनिया से कट चुकी है। यही टाइम है तुम्हारा भी आइसोलेशन में आ जाओ, अपने आप को आइसोलेटेड कर लो बंद कमरे में, तभी धमाका होगा रिजल्ट वाले दिन, वरना फिर पिताजी धमाका करेंगे तुम्हारा, सही है तो पढ़ लो, ठीक है, नहीं कहीं पे मम्मी वाला केस भी होता है, हमारे केस में तो मम्मी वाला केस है, पिताजी बहुत कूल है, ठीक, अच्छा फिलहाल इधर ध्यान देंगे। तो मैंने इसको वैसे बॉल को हिलाया दूं 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 से, टोटल चार्ज कितना बनना था 6 कूलाम बनना था, तो हुआ क्या, यहां पे 5 कूलाम जनरेट हो गया, यहां पे माइनस का 8 कूलाम जनरेट हो गया, मैं पूछ रहा हूं यहां पर कितना होगा, इस पॉइंट पे एक्स मान लेते हैं, तो 5 - 8 प्लस का एक्स, मालूम नहीं कितना, लेकिन मैं जानता हूं टोटल चार्ज कभी चेंज नहीं होगा, क्योंकि चार्ज होता है कंजर्वेटिव इन नेचर, आइसोलेटेड बॉडी के लिए चार्ज इज कंजर्वेटिव इन नेचर, ठीक है, तो 5 - 8 प्लस एक्स बराबर 6, क्योंकि पहले भी 6 था, 5 - 8 गए माइनस के 3 बचे, और -3 को उधर भेज देंगे तो प्लस में जाएगा, 6 + 3 कितना हो गया 9 कूलाम, बोलो क्या कहते हो, क्या कहते हो, क्या ये तुम्हारी किताबें तुम्हें पढ़ा रही हैं? चलो बेटा ध्यान दे लो इधर, तो x की वैल्यू हो जाएगी 9 कूलाम, 9 और 5 = 14, 14 में से 8 चला जाएगा, वापस 6 कूलाम आ जाएगा, तो ये इसका मतलब था, चार्ज इज कंजर्वेटिव इन नेचर, चार्ज इज कंजर्वेटिव इन नेचर फॉर आइसोलेटेड बॉडी। चौथी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, 10th क्लास का एक फॉर्मूला यहां से निकल के आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, चार्ज कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी बॉडी पर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, करें, चलिए साफ कर लेते हैं, इस प्रॉपर्टी का नाम है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या मतलब है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, भैया पूरी हाइटिंग है, क्वांटिटी से मतलब है किसी बॉडी पर जो चार्ज आ रहा है इलेक्ट्रॉन लूज करने से या गेन करने से, ये तो बेसिक बात हो गई भैया केमिस्ट्री की, कि चार्ज बॉडी पर इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करने से ही आ सकता है, लूज करने पर पॉजिटिव, गेन करने पर नेगेटिव। एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज होता है सभी को पता है, क्लास 9 से 1.6 × 10⁻¹⁹ अगर आज तक आपने याद नहीं किया है तो बेटा मोहब्बत से प्यार से मान जाओ याद कर लो, चैप्टर ना हो पाएगा ये, ठीक है। इलेक्ट्रॉन है तो ये माइनस का होता है, कन्वेंशन है, प्रोटॉन इतना ही चार्ज रखता है प्लस में, 9 क्लास में पढ़ के आए थे ई वाले पे -1 पी वाले पे +1, ये रिलेटिव चार्ज था, उस 1 की वैल्यू ये है बेटा, ये है मेरे लाल वैल्यू, सही है, लाल या कोई लाली हो तो ठीक है। तो E बराबर -1.6 × 10⁻¹⁹ और कूलाम होती है चार्ज की ऐसा यूनिट, कूलाम एक साइंटिस्ट थे बेचारे जिन्होंने इस चार्ज को वगैरह समझाया, तो इतना तो हक उनका बनता है बेटा, क्रेडिट दे दो। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, अब मुझे एक बात बताओ, एक है बॉडी अभी न्यूट्रल कंडीशन में है, जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है, तो नेट चार्ज कितना आएगा, एक्स इलेक्ट्रॉन है एक्स प्रोटॉन है, ये माइनस ये प्लस है, सर 0, सही है। तो ऐसा कर लीजिए, अब एक्स की वैल्यू कुछ भी मान लीजिए, तो सर 100 इलेक्ट्रॉन है 100 प्रोटॉन है, क्लियर है कि नहीं, बस को समझना यार, फॉर्मूला बना के दे रहा हूं, कोई रटा नहीं रहा हूं कि हाँ भैया रटा दिया फॉर्मूला, बहुत मारूंगा, ध्यान से ले लो इधर। तो मान लो भैया 5 इलेक्ट्रॉन लूज करा दिया,
5 इलेक्ट्रॉन मान लो लूज हो गया, कितना बचा? माइनस का 95, प्लस का 100, आंसर आया प्लस का 5। लेकिन ये रिलेटिव चार्ज है, 5 प्रोटॉन के बराबर आ गया चार्ज। अब हम आपको बता रहे हैं कि भैया एक इलेक्ट्रॉन हो चाहे एक प्रोटॉन हो, 1 वाला जो चार्ज था यानी कि जो E की वैल्यू, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं इसको, इसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻¹⁹। प्रोटॉन वाले प्लस, इलेक्ट्रॉन वाले माइनस, उससे कोई लेना देना नहीं है हमें। वो ये बताता है, माइनस वाला चार्ज ये बताता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, एबंडेंस है, और जहां पे प्लस चार्ज आ रहा है तो वहां पे समझ लीजिए डिफिशियंट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है। बेसिक सी बातें हैं, दिमाग लगाओ यार। फिजिक्स क्यों दिमाग खराब करे पड़ी है बच्चों का? क्योंकि समझना ही नहीं चाह रहे हैं, रौले में चल रहे हैं हम तो, ऐसे ही कर देंगे फिजिक्स, ऐसे नहीं होती बेटा। चलो इधर ध्यान दो, तो 5 प्रोटॉन, तो यार ऐसा ना करा जाए, ये ई की वैल्यू है यानी कि एक प्रोटॉन का चार्ज है ये प्लस में, और इसमें है 5 एक्स्ट्रा, तो 1.6 × 10⁻¹⁹ × 5 कर देते हैं, टोटल चार्ज आ जाएगा 16.5 × 80 होता है, यानी कि 8 × 10⁻¹⁹ कूलाम चार्ज हो जाएगा। बताओ क्या कहते हो? हाँ सर बात तो सही है। तो यार ये बताओ किसी बॉडी के ऊपर कितनी क्वांटिटी हो सकती है चार्ज की? सर बात तो कुछ कुछ तो समझ में आ रही है। सर ऐसा करेंगे, हम मान लेते नंबर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स हैं उस बॉडी के ऊपर, एन इलेक्ट्रॉन नहीं एक्स्ट्रा वाले, यही तो बात है समझने में भाई। उसके पास इलेक्ट्रॉन तो पहले से थे, जितने उसने लूज किए हैं या जितने उसने गेन किए हैं ये वो इलेक्ट्रॉन है, और इसकी मल्टीप्लाई करा देते हैं एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना चार्ज होता है उसको ई से डिनोट करते हैं, तो सर हमारा पूरा चार्ज बन जाएगा, और चार्ज को हम क्यू या फिर स्मॉल क्यू से डिनोट करते हैं। बताओ क्यू सही है कि नहीं? बहुत बढ़िया सर, इसलिए हम एन की वैल्यू को ले रहे हैं, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 4, मजा लेके पढ़ो, प्लस माइनस 5, प्लस माइनस 6 एंड सो ऑन। अगर उसने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं तो प्लस का 1, गेन किए हैं तो माइनस का 1, क्या कहते हो? और ई का वैल्यू रट डालो यार, अब हम प्लस माइनस एन के हिसाब से ले रहे हैं, तो ई की वैल्यू को हम सिर्फ इतना लिख दे रहे हैं 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम एलिमेंट्री चार्ज, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम। ये क्या मैंने बोला भाई, एलिमेंट्री चार्ज क्लास 12 में वर्ड आता है, एलिमेंट्री चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो एलिमेंट्री चार्ज कहलाता है, इससे छोटा दुनिया में चार्ज पॉसिबल ही नहीं है बच्चों। कैसे कैसे? आधा इलेक्ट्रॉन लाओगे क्या? डेढ़ इलेक्ट्रॉन लाओगे? ढाई लाओगे क्या? सवा पौन? ठीक है कि नहीं? अच्छा, तो आधा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता ना। एक बार बताऊं, मजे की बात है, क्लास 12 में ही पूछे थे, 10th में क्लियर होगा, 10th में 1.6 हो गया। अब किसी ने कहा कि सर क्या 2 × 10⁻¹⁹, मैंने बोला एक बॉडी पे 2 × 10⁻¹⁹ कूलाम चार्ज है। सुन लेना यार, मजे की बात है, किसी बॉडी पर 2 × 10⁻¹⁹ कूलाम चार्ज है। 10th लेवल में ही फाउंडेशन लेवल का पढ़ोगे, JEE की तैयारी नहीं करोगे क्या? अपना सब्जेक्ट मैथ्स एंड फिजिक्स उड़ा के रख देंगे अब तो। 2 × 10⁻¹⁹ कूलाम किसी बॉडी के ऊपर चार्ज है, बताओ मैं सच बोल रहा हूँ कि झूठ? सर ये कैसा सवाल है? सवाल है। अच्छा बताओ बताओ बताओ, राजू पता नहीं हमारा कहाँ गया, मिल ही नहीं रहा है। बताओ क्या होगा इसमें? 1.6 × 10⁻¹⁹ एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है, तो किसी बॉडी पर क्या 2 × 10⁻¹⁹ कूलाम चार्ज हो सकता है क्या? है क्या? कह दिया सर ये हो सकता है। सर क्यों नहीं हो सकता है? चार्ज कोई पाउडर थोड़ी है जो 1.85 ग्राम खरीद के ले आओगे, कोई पाउडर में कोई चीज़ बिक रही है? होली वाला कलर यार, बहुत ज़्यादा डीप हो जाएगा यार, कोई बच्चा बेहोश ना हो जाए यार मेरा। चलो अच्छा सुन लो, पाउडर वाली चीज़ बिक रही है, जरा एनर्जी लेके आओ, एनर्जी लेके आओ, एनर्जी। पाउडर में कोई चीज़ बिक रही है यार, तो मुझसे कहोगे 1.857 ग्राम चाहिए, कहेगा लो पाउडर में 1 ग्राम 0.011 ग्राम भी तोल सकता है वो। लेकिन चार्ज तुम इसके अलावा बना ही नहीं सकते, चार्ज इसी के मल्टीपल में चलेगा, 1.6 या इसका डबल 3.2 या उसका डबल 4.8 या उसका डबल 6.4, मतलब मल्टीपल, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ला सकते हो या दो या तीन या 3.1 इलेक्ट्रॉन कहां से लाएगा मेरे लाल? ये मैं झूठ बोल रहा हूं, झूठ 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 लाए कैसे बताएं भैया? 2 × 10⁻¹⁹ कूलाम बनाना है, इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं कितने चाहिए, और 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम एक इलेक्ट्रॉन में होता है, डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, पता चलेगा कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, है कि नहीं? 5 रुपए की एक चॉकलेट है, 20 रुपए हैं, तो पता चल जाएगा ना कितनी चॉकलेटें मिलेंगी, तो
कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे इससे, ये कैंसिल हो गया, 2 को 1.6 से उड़ाओगे, ऊपर 20 नीचे 16, तो 5-4 जा, सॉरी 4-5 जा, 4-4 जा, 4-1 जा 4, बचा 1-2-5, 1.25 इलेक्ट्रॉन, सबा इलेक्ट्रॉन लाओगे कहाँ से महाराज? ये मैंने बहुत तगड़ी चीज पढ़ा दी है, यानी कि चार्ज आपको हमेशा एलिमेंट्री चार्ज की मल्टीपल में मिलेगा, और एलिमेंट्री चार्ज दुनिया का सबसे छोटा पॉसिबल चार्ज जो किसी इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है। तो लालो और लालियो, मुझे लगता है कि अब तुम्हें ये बात समझ में आ गई होगी। तो आज के बाद हमने बनाया खुद से, ठीक है कि नहीं, आज के बाद चार्ज का फॉर्मूला रहेगा नंबर ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि नंबर ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स, और डिफिशियंट इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है भैया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर गेन और लूज बाई क्या, एटम, मैटर, सब्सटेंस, कुछ भी कह लो यार, ठीक है, हाँ सही। तो नंबर ऑफ लूज और गेन इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ऑन आई इलेक्ट्रॉन गिव्स द टोटल चार्ज, दिस इज नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। कितनी प्रॉपर्टी हो गई थी, चार्ज, शायद एक पांचवी और प्रॉपर्टी है, अगर एक चार्ज यहाँ पे रखा है Q1 और एक चार्ज यहाँ पे रखा है Q2, तो ये एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, या तो अट्रैक्शन या रिपल्जन, लेकिन कितना फोर्स लगाएंगे? कूलाम्स लॉ है भाई साहब, क्लास 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ाया जाएगा। तो वो फोर्स लगाएंगे F इक्वल टू, ग्रेविटेशन का फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, G m1 m2 upon r square, ऐसे यहां भी होता है K q1 q2 upon, इनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, q1 q2 चार्ज होगा, इसको कूलाम्स लॉ बोलते हैं। कूलाम्स नहीं दिया था लेकिन क्लास 10th में नहीं पढ़ाया जाएगा, क्लास 12th में पढ़ाया जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। और के जो है, के तो वो के होता है कांस्टेंट फॉर अ गिवन परमिटिविटी, इसको कहते हैं परमिटिविटी, ये करती है मीडियम पे डिपेंड, पानी के अंदर कुछ और हो जाएगा, एयर के अंदर कुछ और हो जाएगा, 9 × 10⁻⁹, जहां तक मुझे बात याद आ रही है फिलहाल। तो के कांस्टेंट हो गया, लेकिन वहां पे जो हमारा जी था वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था 9th क्लास में, F इक्वल टू जी एम वन एम टू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ऐसे ही F इक्वल टू बिटवीन टू चार्जेस के Q1 Q2 upon r square, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट था, लेकिन ये परमिटिविटी है, रिलेटिव परमिटिविटी जो मीडियम पे डिपेंड करती है, तो उसकी बात हम क्लास 12 में करेंगे, लेकिन मैंने फॉर्मूला आपको बता दिया है, इस प्रॉपर्टी को पढ़ना नहीं है। तो बच्चों ये थी प्रॉपर्टी, इस पर एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत ही वर्ल्ड फेमस सवाल, NCERT का पहला ही सवाल धूम से आके लगता है बच्चे के, करा दें, चलो ऐसा यूनिट और पढ़ा दें, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज, तो ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज होती है कूलाम, कूलम, कूलाम, एम आई, ठीक है, अच्छा सी से डिनोट करते हैं, और चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है, याद रखेंगे, क्लियर हो जाएगी बात, बहुत बढ़िया। एक सवाल है बहुत बेहतरीन वाला, बहुत ही बेहतरीन, याद रखना बेटा, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लैंग्वेज अलग हो सकती है, सवाल यही, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलाम ऑफ चार्ज, 1 कूलाम चार्ज बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे जो 1 कूलाम चार्ज बन जाए, या हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूट्स 1 कूलाम ऑफ चार्ज, लैंग्वेज बदल सकती है, हाँ याद है यार सवाल तो याद है, तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूट्स 1 कूलाम ऑफ चार्ज, अच्छा बहुत बढ़िया। सॉल्यूशन चालू करेगा अपन, ध्यान से सुनेगा, यू भाई क्यू का फॉर्मूला क्या पढ़ाया तुम्हारे टीचर ने, एन ई, क्यू का वैल्यू तो मैं गिवन दे रहा हूं ना, 1 कूलाम, क्यू चार्ज होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैं निकालना चाह रहा हूं कितना इलेक्ट्रॉन होगा, और ई का वैल्यू हमको याद है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम, क्लियर है कि नहीं है? स्प्राइट वाला यार, स्प्राइट से पैसे मिलने चाहिए, बहुत ऐड मार दी मैंने स्प्राइट की, क्लियर स्प्राइट की तरह बात करेंगे, ठीक है, अच्छा तो Q बराबर एन ई होता है, या तो वैल्यू रख लो या N का वैल्यू निकाल लो, E डिवाइड में चला जाएगा, Q डिवाइडेड बाई E, क्यू ई, क्यू का वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई, अरे सर रुला दिए हमको, इसको डिवाइड कैसे करेंगे 1.6 × 10⁻¹⁹, मैथ है जहां परेशानी नहीं है वहां गणित, गणित गणित, 10⁻¹⁹ को ऊपर भेजेंगे प्लस 19 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 1.6 बचेगा, 10⁻¹⁹ में से 10 बाहर निकालें, कई बच्चे ऐसे हैं जो इस कैलकुलेशन में लुल पड़ जाते हैं, नहीं पढ़ोगे तुम,
हमारा बच्चा नहीं पढ़ेगा, डेसिमल हटा दो ऊपर जीरो लगा लो, 100/16 हो गया, 4 से डिवाइड करोगे 25, 4×4=16, 25/4, और 25 को 4 से डिवाइड करोगे, करके देख लो यार, 6.25, 6.25 इंटू 10^18 इलेक्ट्रॉन्स। बड़ी मजे की बात बताऊंगा अभी, रट लो रट। क्लास 12 के बच्चों से मैंने सवाल पूछे हैं, कहीं जाके पढ़ाने गया मैं तो, कि एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बताओ डायरेक्ट ओरली, बच्चे नहीं बता पाए। हमारा पढ़ा हुआ 10वीं क्लास का छात्र उड़ा देता है सवाल को, रट रट के बताता है, बेटा याद कर लो बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है, एमसीक्यूज में भी आ सकती है इस साल एग्जाम में, 20 एमसीक्यूज आ रहे हैं आपके। तो 6.25 × 10^18 इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब समझाऊं मैं आपको कितने बड़े होते होंगे इलेक्ट्रॉन का मास, तो निकला जी वैल्यू होता है 1/1857 या 50U के आसपास। अरे भाई साहब यू तो समझते हो ना, 9th क्लास वाला एटॉमिक मास यूनिट। तो 6, 2, 5 18 0 लगेंगे, तो 2 तो डेसिमल से हट गए, बचे 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 गिने वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, 100,000, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में चल रहा है, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन, 1,000 ट्रिलियन, 10,000 ट्रिलियन, उसके आगे ही नहीं रहा तो क्या करो, 100,000 ट्रिलियन, 1 मिलियन ट्रिलियन, 1 मिलियन ट्रिलियन। अरे भाई साहब कहां तक पहुंच गई गिनती, बोरा भर के इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, बोरा भर के, लेकिन ये जूम से इतनी तेज पास करके जाते हैं ना, 1 सेकंड में पास हो जाते हैं किसी क्रॉस सेक्शन से, 1 एम्पियर करंट बन जाती है। फिलहाल उस पर तो बात अभी हम करने ही वाले हैं, इतने इलेक्ट्रॉन चाहिए भाई साहब सिर्फ 1 कूलाम चार्ज बनाने के लिए। मजा आया, मजा तो आया होगा यार, इतना धांसू पढ़ा दिया आपको, सही है, लेक्चर भी काफी लंबा हो रहा है। अच्छा इलेक्ट्रिक करंट और देख लेते हैं, दम दम मजा आएगा। तो भाई साहब चार्ज के बारे में इतनी जानकारी होनी चाहिए, तब होगी जिंदगी सफल, ठीक है। ये था चार्ज। अब तुम एक बात बताओ यार, तुम खुद ही चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, बत्ती, बत्ती आ रही है, हाँ बत्ती तो आ रही है, ठीक है, चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी, कहते हैं ना कुछ लोग लाइट आ रही, लाइट तो बॉल खुल गया, या बिजली बोल सकते हो, बत्ती बोल लो, बत्ती, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी बोलना शुरू करो, ऐसे बहुत मारेगा, ठीक है। लाइट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं यार, बिल्कुल गलत वर्ड यूज़ कर रहे हैं, लाइट आ रही है कि नहीं आ रही है, लाइट तो प्रकाश होता है, देख रहे हो आ रही है, बहुत आ रही है। इलेक्ट्रिक करंट ऐसा बोलो, एक वायर है, इस वायर में सबसे पहले क्रॉस सेक्शन का मतलब सीख लो, ठीक है, कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा रहे हैं हम आपको, इलेक्ट्रिक करंट का कंसेप्ट, इसको यहां से काट दो तो एक ऐसा एरिया और जनरेट हो जाएगा, यहां से काट दो तो कुछ ऐसा इस तरीके से जनरेट हो जाएगा, कोई गोल गोल सा, गोल गोल सा सर्कल, यार ये चौक देख रहे हो, ये वाला, ये जी ये जो है, इसको तोड़ दूं यहां से ऐसे करके, दूसरी वाली चौक मेरी कहां गई, ठीक है, मान लो ऐसे थी, ऐसे करके तोड़ दिया, थोड़ा घिस देते हैं, घिस जा, ऐसे तोड़ दिया, तो ये एरिया जो, ये जो जनरेट हो रहा है पाई आर स्क्वायर, सही है बेटा बात, हाँ तो इसे क्रॉस सेक्शन कहते हैं, क्लियर है बात, हाँ बात सही है सर। अब इस वायर में से अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगे, फ्लो इलेक्ट्रॉन का फ्लो करना मतलब चार्ज का फ्लो करना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही बनाते हैं चार्ज, सही बात है, बिल्कुल सही समझ रहे हैं लड़का लड़की भी। अच्छा तो वही इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए यानी कि अगर 2 कूलाम चार्ज पास हो रहा है तो कितने, वही 6.25 × 10^18 के डबल इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं × 2, क्योंकि ये 1 कूलाम चार्ज है, इस लेवल पे पढ़ रहे थे क्या तुम अभी तक, 6.25 × 10^18 1 कूलाम चार्ज है ये, 3 कूलाम होगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दो यार, 18.75 × 10^18 क्लियर है, इतने इलेक्ट्रॉन पास करके जा रहा है। तो मैंने मान लिया इस वाले क्रॉस सेक्शन से पास करके जा रहा है, इस वाले से, मैं यहां पे खड़ा हुआ, नहीं मैं नहीं हूं यार, ये तुम हो, मुस्कुरा रहे हो जैसे वो, अभी बताऊंगा, ठीक है। एक वायर और है,
इसमें तुम्हारा दोस्त यहाँ पर खड़ा है इस क्रॉस सेक्शन पर, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन थे यहाँ, उसी मतलब नहीं, मैं उन इलेक्ट्रॉन को देखूंगा जो यहाँ से होके जाएंगे, सही है। जैसे वो टोल प्लाजा नहीं होता, टोल प्लाजा उस पर से गाड़ियाँ जाती हैं जुम 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 जुम, वो उन्हीं से पैसा लेता है जो उसके सामने से क्रॉस करके जा रहा है, जो पीछे से मुड़ गया उससे कोई मतलब नहीं है, जो उधर आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। यानी कि करंट एक इंस्टेंट चीज है, एक परफेक्ट क्रॉस सेक्शन से पास होगी, पूरे वायर में नहीं, ये नहीं बोल सकते इस वायर में इतनी करंट जा रही है। हाँ वो बात अलग है, इधर से इतनी गई उधर से उतनी पास हुई, फिलहाल कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस हुआ तो यहाँ कुछ लॉस हो गया, यहाँ कुछ लॉस हो गया, फिर कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ जाते जाते अपनी एनर्जी खो दिए फिर। हाँ बात सुनो ध्यान से, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे 2 कूलाम चार्ज पास हो रहा है, यहाँ भी 2 कूलाम चार्ज पास हो रहा है, लेकिन ये 2 कूलाम चार्ज 2 सेकंड में पास हो रहा है और ये 2 कूलाम चार्ज 3 सेकंड में पास हो रहा है। बात को ध्यान से सुनना, तो 1 सेकंड में कितना पास हो रहा होगा, 2 को 2 से डिवाइड कर दो, 1 कूलाम पर सेकंड, यहाँ 2/3 0.66666 कूलाम पर सेकंड, यानी कि इसके सामने से 1 सेकंड में 0.66 कूलाम चार्ज पास होके गया, समझ गया ना, 0.66 गाड़ियां, इससे एक गाड़ी। अरे 0.66 यार वो कुछ भी इलेक्ट्रॉन्स है ना जितने भी आते हो उसमें, और इसमें 1 कूलाम में 6.25 चार्ज, यानी कि सक्सेना जी बाल खड़े कर देगा तुम्हारे, करंट अगर चार्ज तुम्हारे अंदर फ्लो करेगा करंट लगेगा ना, किसमें ज्यादा करंट लगेगा, इस भाई साहब को कि इस भाई साहब को, तुमको सर इसको ज्यादा लगेगा क्योंकि 1 सेकंड में यहां ज्यादा इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं, यहां 1 सेकंड में कम इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं, यानी कि टाइम से भी लेना देना है, बस हो गया काम खत्म, करंट का, करंट बस इतना सा ही था, करंट ये पकड़ो वायर, कोई भी एक क्रॉस सेक्शन ले लो, एक क्रॉस सेक्शन, अगर इस क्रॉस सेक्शन की बात हो रही है तो यहां पर करंट की बात हो रही है, करंट किसी क्रॉस सेक्शन पे होता है, मैं बार बार पूरे चैप्टर में क्रॉस सेक्शन वर्ड यूज करूंगा, तो क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या रहेगा, करंट उस एरिया से कितना पास हुआ, वो जो एरिया इस तरीके से जो बन रहा है, क्लियर है बात। तो 2-3 डेफिनेशन बन जाएंगी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रो अ क्रॉस सेक्शन, बस खत्म, बात खत्म होगी, करंट फ्लो इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ क्रॉस सेक्शन, किसी क्रॉस सेक्शन से जितने रेट पर चार्ज फ्लो होगा उसे हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, बात खत्म हो गई, इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। जल्दी बोलो क्लियर है बात के नहीं बात है, मतलब अगर 5 कूलाम चार्ज पास हो रहा है और 2 सेकंड में हो रहा है किसी क्रॉस सेक्शन से, तो 2.5 एम्पेयर करंट हो गई, SI यूनिट एम्पेयर की, एंडर मेरी एम्पेयर के नाम पर है, बात अभी हो जाएगी। चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन पर यूनिट टाइम, 1 सेकंड में ना, पर यूनिट टाइम भी वर्ड लगा सकते हैं, या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन, वर्ड जरूर लिखना क्रॉस सेक्शन वर्ड, अभी बता दे रहा हूं, क्लियर हो रही है बात, क्लियर हो रही है बात। हाँ तो चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन पर यूनिट टाइम, या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन, क्लियर। करंट को डिनोट करेंगे आई से, फॉर्मूला क्या हो गया, जितना भी चार्ज फ्लो हुआ है उसे टाइम से डिवाइड मारना है, ठीक है। तो चार्ज की सिंबल क्या था, क्यू था, और टाइम का टी था, तो आई बराबर क्यू अपॉन टी बन गया फॉर्मूला। अब इसकी SI यूनिट की अगर बात कर लो बहुत जल्दी से, तो SI यूनिट बताओ क्या होती है, कूलाम, और सर टाइम की होती है सेकंड, कूलाम पर सेकंड, सेकंड तो फंडामेंटल यूनिट है, कूलाम का नाम आ रहा है, जल्दी जल्दी सुन, कूलाम का नाम आ रहा है यार, अब कूलाम का नाम आ रहा है तो जिसने बनाया यार वो करे यार, उस हमारा तो नाम आया ही नहीं, कूलाम का नाम हमें बनाना पड़ रहा है, तो उसने कहा कूलाम पर सेकंड को ही मेरे नाम से जाना जाएगा, एम्पियर ए से डिनोट करेंगे, यानी कि बेटे 1 कूलाम पर सेकंड को ही 1 एम्पियर कहते हैं, क्लियर हुई बात। अब 1 एम्पियर से मुझे याद आया, सवाल बोर्ड में बहुत आया, डिफाइन बहुत 1 एम्पियर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्लियर कर लो आज ये जितनी भी चीजें मैं पढ़ाऊंगा, रेसिस्टर 1 ओम रेसिस्टेंस, वोल्टेज 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, जितनी 1 वॉट इलेक्ट्रिक पावर, सारी इंपॉर्टेंट है, सारी के सारी, वो कह रहे डिफाइन करो 1 एम्पियर करंट से तुम क्या समझे, पता है क्या बोलेंगे, व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन इन 1 सेकंड इज नोन एज 1 एम्पियर। मैं इसके सख्त खिलाफ हूं भाई साहब, हर किताब में लिखा है, तुम भी लिख के आओ, मैं भी लिख के आऊंगा यही, लेकिन पता है अगर टीचर से मजे लेने का मन करे, तुम्हें टीचर से मजे लेने हैं,
पता है तो तुम क्या लिख के आओगे, वन बनाना है ना, वन आई बराबर क्या है क्यू अपॉन टी। मजे की बात सुनना, बहुत मजे की बात। पहले हम तो नहीं लिखेंगे यार, वेन वन कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू क्रॉस सेक्शन इन वन सेकंड इज नोन एज वन एम्पेयर। न्यूमेरिकल में ऐसा करके लिख के चले आना और डेफिनेशन लिख देना, सही है। मैं पता है क्या लिख के आऊंगा, मजे की बात सुनना, वेन 0.0005 कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू क्रॉस सेक्शन इन 0.0005 सेकंड्स। अरे मजे आएंगे। किसी के बस की हो ये गलत करके दिखा यार, किसी के बस की हो गलत करके दिखा है। बोले कट गया, आंसर क्या आया 1 एम्पेयर। अब तुम्हें मजे लेने हैं ना टीचर से, व्हेन 0.0005 कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन इन 0.005 सेकंड इज नोन एज 1 एम्पेयर ऑफ करंट। यानी कि जितना चार्ज है उतना ही टाइम होना चाहिए, 1 एम्पेयर करंट बन जाएगी। फिलहाल मजे की बात थी और मजाक की बात थी, सिंपली सारी किताबें यही छापती है, 1 कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन इन 1 सेकंड। ऐसा यूनिट मैंने बता दी है, 1 एम्पेयर मैंने आपको बता दिया है। इससे रिलेटेड 2-3 बातें हैं। एक डिवाइस है जो करंट को मेजर करता है, नेम द डिवाइस विच इज यूज टू मेजर द करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो बेटा वो डिवाइस जो है, वो डिवाइस एमीटर है। क्लियर है? क्या नाम है डिवाइस का? मीटर। अब इसके ऊपर 2 सवाल बने हैं कि एमीटर को कैसे कनेक्ट करेंगे, सीरीज में करेंगे कनेक्ट, और इसका रेसिस्टेंस बहुत लो होना चाहिए। बस ये 2 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है सीबीएसई में, कि एमीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं और इसका रेसिस्टेंस लो क्यों होना चाहिए। देखो एक सर्किट बना दे रहा हूं नॉर्मली, ये सब अभी आप सीख लोगे। ये बड़ा वाला जो है ये प्लस पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, नेगेटिव टर्मिनल हो गया, और एमीटर का जो सिंबल है वो ये है प्लस माइनस। ये प्लस वाला पॉजिटिव टर्मिनल पर जोड़ दो, माइनस वाला नेगेटिव, तो ये प्लस आ रहा है। देखो यहां से यहां प्लस बना दो, यहां माइनस बना, माइनस वाला उधर कनेक्ट हो जाएगा। ये एमीटर हो गया, यहां पर एक बल्ब लगा दे रहे हैं। तो अभी मैंने वायर के बीच में जोड़ा है इसको, यानी कि सीरीज में, इसको सीरीज कहते हैं जब स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट जोड़ता है, ठीक है। तो 2 सवाल आएंगे, एक तो करंट किससे मेजर करते हैं, तो करंट जो डिवाइस मेजर करता है करंट को, वो हो गया एमीटर। क्लियर हो गई बात? इसको सीरीज में क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि सीरीज में, इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑल द डिवाइसेज विच आर कनेक्टेड एक्सपीरियंस द सेम करंट। अब तुमने ये बताओ, इसमें तुमने क्या किया, एमीटर लगाया, तो तुम क्या चाहोगे, ये सर्किट में जितनी करंट चाह रही है सारी मेजर करके देगा ना, 5 एम्पेयर है, 4 एम्पेयर है, पैरेलल में लगा दोगे तो जो रास्ता वो जा रहा होगा उससे उसी रास्ते की करंट बताएगा, सही है कि नहीं। मान लो इस तरीके से मैंने सर्किट बनाया, यहाँ पे एमीटर लगा दिया और बल्ब इधर लगा हुआ था, ये लो ऐसे करके समझा रहे हो तुम्हें, तो यहाँ से करंट चली टोटल, ये बैटरी लगा दो प्लस माइनस, यहाँ से करंट चली, एमीटर तुमने ये लगाया, तो इस रास्ते पे जो करंट गई बस वही मेजर कर पाया, इधर वाली तो रह गई ना, इधर वाली तो करंट रह गई। तो हम एमीटर को सीरीज में इसलिए लगा रहे हैं सो दैट इट कैन मेजर ऑल द करंट या होल करंट ऑफ द सर्किट। दूसरा, इसका जो रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस मतलब हिंड्रेंस, यानी कि ये करंट का नुकसान ना करे, खुद ना खा जाए, कुछ लॉस ना करा दे, वो हम आगे के टॉपिक में डिस्कस कर रहे होंगे जब ओम्स लॉ पढ़ाएंगे। रेसिस्टेंस मतलब हिंड्रेंस, किसी भी वायर में जितनी भी करंट फ्लो कराओगे टोटल एनर्जी पास नहीं होती है, कुछ करंट लॉस हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ हीट। देखते हो वायर गर्म पड़ जाता है, सारी करंट पास होती है क्या? मान लो आपने 2 एम्पीयर दिया तो उधर पहुंचा 1.98 एम्पीयर, यानी कि 0.02 एम्पीयर का लॉस हो गया, स्पीड बढ़ा दी है मैंने थोड़ी लास्ट में, ठीक है। तो रेसिस्टेंस इसका लो होना चाहिए, अमीटर शुड हैव लो रेसिस्टेंस सो दैट इट कैन गिव एक्यूरेट वैल्यू ऑफ द करंट, खुद लॉस ना कर दे, खुद ना खा जाए यार करंट को। तुम ऐसे किसी मान लो कहना चाहिए वो जो घर पे डिलीवरी बॉय जो होते हैं डिलीवरी देकर आते, जोमेटो वाला, एक दो वीडियो भी आई थी, वो खाते हुए पकड़े गए थे रास्ते में, कुछ खा रहे थे वो खाना वाना, सही है, तो बड़ा बॉयकॉट हुआ था जोमेटो का। कैसे डिलीवरी बॉय चाहोगे? जितना सामान तुमने उसको दिया है या जितना तुमने मंगाया वो तुम्हारे घर पे सही सलामत पहुंचा दे या रास्ते में कुछ खा जाए, बताओ भाई, समझ रहे बात को? तो ऐसे ही अमीटर मैंने सिर्फ करंट को मेजर करने के लिए लगाया है, अब वो खुद खुद करंट खा जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए यार जो मैं, ठीक है। तो बात को ऐसा करके समझो, सही है, किसी को 5,000 रुपये दिए तो मैं किसी को पहुंचाने हैं तो 5,000 ही पहुंचाए, बोले नहीं भैया 500 मैं खाऊंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो रेसिस्टेंस इसका बहुत लो होना चाहिए सो दैट इट कैन मेजर एक्यूरेट वैल्यू ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। तो इस तरीके से हम करंट को मेजर कर सकते हैं। तो आज मैंने आपके 2 टॉपिक कंप्लीट कर दिए हैं, एक इलेक्ट्रिक चार्ज और एक आपका इलेक्ट्रिक करंट। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा। इसके न्यूमेरिकल जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में होंगे, क्योंकि इतना डिटेल में जाना नहीं चाह रहा था जितना डिटेल में आज हम लोग चले गए, लेकिन डेफिनेटली आपको ये बहुत फायदा देगा और कुछ भूलेंगे नहीं आप इस कोशिश से मैंने आपको पढ़ाया। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलते हैं, पढ़ते रहिए, और फिर एक बात और कहूँगा, बिलीव इन योरसेल्फ, अपने आप पे विश्वास रखिए, दुनिया की हर मुश्किल को हल किया जा सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।